टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कैपेसिटर, ठीक है। इससे पहले हम लोग जितनी भी कैपेसिटर्स के फॉर्मूलास वगैरह जो भी थे उसको कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कैपेसिटर, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे, लेकिन सब अलग अलग टाइप के होंगे, कुछ एनसीईआरटी के होंगे, कुछ नीट लेवल के होंगे, ठीक है। ये सारे को हम लोग करेंगे, चलो आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। दिस वन A parallel plate capacitor with air between the plates has a capacitance of 8 picofarad. 1 picofarad is how much? 10 to the power minus 12 farad. What will be the capacitance if the distance between the plates is reduced by half? Distance is half, and the space between them is filled with a substance of dielectric constant 6. ठीक है? और उसके बीच में जो स्पेस है, उसमें क्या dielectric constant tau? ठीक है? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स, दोनों प्लेट्स के बीच में क्या था, एयर था, प्लेट का कैपेसिटेंस कितना है, कैपेसिटेंस हो गया तुम्हारा 8 पिको फैराड, 8 पिको फैराड मींस 8 10 का पावर माइनस 12 फैराड, राइट। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज रिड्यूस्ड बाय हाफ। ये कैपेसिटेंस कब था, जब इसके बीच में एयर था, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, क्या कैपेसिटेंस होगा, सीधे मान लेते हैं क्या होगा अगर जो सेपरेशन d था उसको अगर d डैश बाय 2 कर दें, यानी सॉरी d डैश इक्वल टू d बाय 2 कर दें दिस वन, ठीक है। और उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक भी डाल दिए, डाइलेक्ट्रिक का मतलब कितना है 6, ठीक है। तब कैपेसिटेंस निकालना है कि कितना है, ठीक है। तो इसके बारे में हम क्या जानते हैं, व्हाट इज द कैपेसिटेंस with dielectric, C dash is equal to C naught. Suppose this is C naught. When here, here between the plates. Is it clear? Then C naught into what? C naught को epsilon naught A, A by D. ये होता है formula. होता है ना? अब ये E naught A by D क्या है? C naught ही तो है. ये C naught K, ये चीज होता है. लेकिन now, हमको ये देखना है कि जो D है, उसको भी आधा कर दिया गया. D को भी क्या कर दिया गया, आधा कर दिया गया, एरिया वगैरह तो कोई चेंजेस नहीं है, यानी कि अगर हम D को भी क्या करना होगा, आधा, this means therefore when D is equal to D by 2, then क्या जाएगा, C is equal to epsilon naught A K divided by D by 2, yes, therefore 2 क्या हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा, यानी कि C is equal to what, epsilon naught K 2k by d, and epsilon naught a by d is c naught, epsilon naught a by d is c naught, therefore क्या हो जाएगा, ये c dash is equal to c naught 2k, c naught 2k। तो यहां से हम आराम से c dash निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, therefore c dash is equal to what, c dash equal to c naught के वैल्यू कितना है, 8 picofarad, यानी कि 8 into 10 का पावर minus 12 farad, yes, और into 2 into dielectric constant is how much, 6, therefore 6 to the 12, और 12 weights are 96, 12 weights are 96 into 10 minus 12 farad, which means 96 pico farad, कितना ज्यादा बढ़ गया, कितना ज्यादा बढ़ गया, 96 पिको फैराड, पहले कितना था 8 पिको फैराड, तो जब उसको सेपरेशन को भी कम कर दिए, सेपरेशन कम करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि कैपेसिटेंस बढ़ता है, सेपरेशन कम करने से भी कैपेसिटेंस बढ़ा और डाइलेक्ट्रिक डालने से भी कैपेसिटेंस बढ़ता है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जिसके वजह से क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस कितना पहुंच जाएगा 96 पिको फैराड, इज इट क्लियर, ठीक है, समझ में, ठीक है। Now we will move to the next question. Next question is this one. Three capacitors, each of capacitors 9 picofarad. तीन कैपेसिटर है और सब का कैपेसिटेंस कितना है? 9 picofarad. Are connected in series. तीनों के तीनों किस में है? सीरीज में है. यानी कि just like this. ये कैपेसिटर, this one another, and this one another. ठीक है? All are of 9 picofarad. 9 picofarad. And this is also 9 picofarad. Is it clear? 9 picofarad means 9 into 10 to the power minus 12 farad.
Is it clear? All are connected in 90 microfarad series. What is the total capacitance of the combinations? What is the total capacitance of the combinations? In series, we know that 1 plus C equivalent is equal to 1 plus C1 plus 1 plus C2 plus 1 by C3. But here all the capacitors are equal. That's why we can write 1 plus C plus 1 plus C plus 1 by C. Therefore, 3 by C. Therefore, 1 by C equivalent is equal to 3 by C. Therefore, C equivalent is equal to what? C by 3. And C by 3 means 9 picofarad, 9 into 10 to the power minus 12 upon 3. 3 is a 9. This means 3 picofarad. Yes? This is the answer of first. This means, what is the total capacitance of the combinations? 3 picofarad. Is it clear? Very simple. Just like resistance में क्या होता है, parallel में होता था, capacitor में series में होता है, ठीक है? And what is the next questions? What are the solutions of next? What is the potential difference across each capacitor if the combination is connected to 120 volt supply? It means if this is connected to 120 volt supply, here 120 volt. Then what is the potential in each of this? We know that current is same, but potential is different. Which means here what? V is equal to V1 plus V2 plus V3. And V is what? V is what? C equal to Q by V. V equal to Q by C. And Q is equal. Which means Q by तो इतना तक जाने में हमको नहीं लगता है कि जरूरत है और सब का पोटेंशियल तो सेम सेम होगा ना. सब का पोटेंशियल क्या होगा यहां से यहां तक कि जब सब का कैपेसिटेंस सब का सेम है, जब कैपेसिटेंस सब का सेम है यानी ये तो सब में सेम है और ये भी दोनों सेम है यानी सब का पोटेंशियल भी सेम होगा. यानी कि टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा अगर यहां पे देखा जाए इसमें पोटेंशियल v1 v2 को अगर v1 मान ले सब तो ये भी v1 होगा ये भी v1 होगा यानी कितना हो गया 3v1 3v1 इक्वल टू v1 v कितना है 120 वोल्ट कितना है 120 वोल्ट 120 वोल्ट इक्वल टू 3v1 3v1 अगर 120 वोल्ट है तो फिर v1 इज इक्वल टू व्हाट v1 कितना आ जाएगा v1 इज इक्वल टू 120 बाय 3 3 4 इज 120 देयरफॉर v1 इक्वल टू 40 यानी कि हर एक में कितना हो जाएगा पोटेंशियल 40 वोल्ट 40 वोल्ट इज इट क्लियर यानी कितना करके हो जाएगा 40 वोल्ट ईच इज इट क्लियर सलमान नेक्स्ट क्वेश्चन है ना. थ्री कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटर्स 2 पिकोफैरड 3 पिकोफैरड एंड 4 पिकोफैरड आर कनेक्टेड इन पैरेलल. इट मींस कैसा हो रहा है यहां पे कैसा कनेक्शन है पैरेलल जस्ट लाइक दिस. ऑल दीज आर थ्री कैपेसिटर्स ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल. इज दिस अ पैरेलल कनेक्शन और नॉट? Yes, suppose this is C1, this is C2 and this is C3. And C1 is how much? 2 picofarad. C2 is how much? 3 picofarad. And C3 is 4 picofarad. Question number 1. Kya ho raha hai? What is the total capacitance of the combinations? What is the total capacitance of these combinations? We know that C equivalent in parallel is what? C1 plus C2 plus C3. And here 2 picofarad plus 3 picofarad and plus 4 picofarad. Therefore, total 3 or 2, 5, 4, 9 picofarad. This is the answer of first. Yes or no? Yes, sir. Second, question number B. Determine the charge on each capacitor. Determine the charge on each capacitor if the combination is connected to a 100 volt supply. How much? 100 volt supply. As we know that in the series combinations, the supply of current is different. This one, this one, and this one. Suppose this is I, then this is I1, this is I2, and this is I3. Yes or no? Till when current is there, then this will be karega na? This will be I3, this will be I2, and this will be I1, and this is the total current I. Therefore, total current is I1 plus I2 plus I3. Yes or no? As we know that this means if current are same, that means charge is different in each of the capacitor. देखो current अगर अलग अलग हो रहा है तो charge भी अलग अलग होगा क्योंकि हम जानते हैं कि I equal to what? Q by T.
यस और नो, यानी कि करंट किस में चार्ज में, यानी कि करंट अलग-अलग मतलब चार्ज अलग-अलग, चार्ज अलग-अलग मतलब क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि C इक्वल टू क्या होता है, Q बाय V, देयरफॉर Q इज इक्वल टू व्हाट, Q इक्वल टू CV, यस और नो, आपको चार्ज ही निकालना Q2 चाहिए तो C2 B के साथ और हम जानते हैं कि पोटेंशियल सब सेम होता है सिर्फ करंट डिफरेंट होता है पैरेलल कंडीशन ठीक है और फिर Q3 कितना हो जाएगा Q3 इज C3 V व्हाट द वैल्यू एंड आंसर C1 इज हाउ मच 2 पिको फैराड दिस मींस 2 इनटू 10 का पावर माइनस 12 इनटू पोटेंशियल इज हाउ मच 100 एंड C2 B इज हाउ मच C2 इज 3 पिको फैराड 3 इनटू 10 का पावर माइनस 12 इनटू 100 And C3 is how much? 4 picofarad. 4 into 10 to the power minus 12 into 100. Therefore, how much? 2 into 10 to the power minus 10 coulomb. 3 into 10 to the power. 3 into 10 to the power minus 10 coulomb. And this one is 4 into 10 to the power minus 10 coulomb. These are the answer of this question number B. Is it clear or not? Yes. समझ में आया दिस वन ए 12 पिको फैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 50 वोल्ट बैटरी हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर यू हैव टू फाइंड आउट द एनर्जी एंड व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर क्या होता है आर सी वी स्क्वायर यस और नो और यहां पे क्या दिया हुआ है सी दिया हुआ है ना गिवन इज 12 पिको फैराड कैपेसिटर इट्स में सी दिस वन इज सी कनेक्टेड टू 50 वोल्ट बैटरी इट्स में दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस डायरेक्ट करके से फार्मूला बेस्ड है ठीक है फाइंड आउट चलिए आपको अपना कीजिए आधा
सेम और इसमें पूरी तरह से फुल्ली चार्ज हो गया, तो इसमें जो एनर्जी होता है वो एनर्जी कितना होता है हाफ cv स्क्वायर, हाफ cv स्क्वायर, ठीक है। यहां पे तो v तो है नहीं, तो v वाला फार्मूला हम अभी यूज करेंगे नहीं। एक और आता है, कौन आता है, 1/2 q स्क्वायर / c q स्क्वायर / c, ये आता है, ये फार्मूला से क्या हो जाएगा 1/2 q स्क्वायर क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा ना, तो q / 2 का होल स्क्वायर इनटू 1 / c, ये 1 / c यहां पे रहता है, ठीक है। और हम जानते हैं कि जब ये q q किसका एक के द्वारा है ना, यानी कि दूसरा का भी टोटल सिस्टम का चार्ज निकालना है, टोटल एनर्जी निकालेंगे, तो टोटल एनर्जी के लिए हमको क्या करना होगा, दूसरा वाले कैपेसिटर का भी निकालना होगा, उसका भी चार्ज क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, दोनों में कैपेसिटेंस उतना ही रहेगा। और दोनों में देखेंगे तो 2 * 1 / 2 * q स्क्वायर / 4 * 1 / c, यस और नो, यानी कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा q स्क्वायर / 4c, q स्क्वायर / 4c, और इनिशियल भी कितना था q स्क्वायर / 2c, इसमें कितना हो गया पहले से आधा, अगर ये u डैश मान लेते हैं तो और यहां पे u क्या हो जाएगा, देयरफॉर u डैश इज इक्वल टू u / 2, इनिशियल में आधा हो गया फाइनल, आया कि नहीं। देखो ये q स्क्वायर / 2c क्या था, q स्क्वायर / 2c u था ना, u इज इक्वल टू क्या था q स्क्वायर / 2c, और u डैश कितना है q स्क्वायर / 4c, इट मींस u डैश इज हाउ मच u / 2, इट मींस कितना हो जाएगा हाफ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लॉस्ट इन दिस कैपेसिटर, हाफ हाफ ऑफ एनर्जी लॉस्ट इन दिस कैपेसिटर, बस है मान। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस वन, ये नीट 2020 का क्वेश्चन है, कब का है, नीट 2020 का क्वेश्चन है, यहां पे बोला है द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एयर एज मीडियम, क्या था मीडियम में एयर था इज 6 माइक्रोफैराड, उसका कैपेसिटेंस कितना हुआ 6 माइक्रोफैराड, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ किसका डाइलेक्ट्रिक मीडियम द कैपेसिटेंस बिकम 30 माइक्रोफैराड, जब उसने डाइलेक्ट्रिक मीडियम उसके बीच में डाल दिए तो क्या हो गया कैपेसिटेंस उसका बढ़ के 30 माइक्रोफैराड हो गया, द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इज कितना होगा, वो मीडियम की परमिटिविटी क्या होगा ना, यहां से एक चीज को सीखने वाली बात है, हम जानते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो रिलेटिव परमिटिविटी को बोलते हैं, दिस इज रिलेटिव परमिटिविटी, यानी कि परमिटिविटी इन द मीडियम एंड परमिटिविटी इन द फ्री स्पेस, ठीक है। ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ये क्या चीज होता है, रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम अपॉन परमिटिविटी इन द फ्री स्पेस, उसी का ये रेशियो होता है, क्यों, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, तो हम जानते हैं कि c इक्वल टू व्हाट, c नॉट के, यस और नो, और ये c कौन सा, ये वो कैपेसिटेंस है जब डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं, और ये कौन सा कैपेसिटेंस है जब एयर रहता है उसके बीच, क्लियर है, तो उस टाइम जो होगा वो कितना हो जाएगा, फिर k इज इक्वल टू व्हाट c / c नॉट, एंड c इज हाउ मच, हियर c इज 6 पिकोफैराड, सॉरी 30 पिकोफैराड, दिस वन डाइलेक्ट्रिक के साथ ये है ना, और ये दिस वन इज c नॉट, यस और नो, देयरफॉर k इज हाउ मच, c इज 30 माइक्रोफैराड एंड c नॉट इज 6 माइक्रोफैराड, यस, तो क्या होता है ये दोनों माइक्रोफैराड 6 टाइम्स 30 में k इज हाउ मच 5, ये कितना आया 5, अगर k का वैल्यू अगर आपको 5 मिल गया तो आपको परमिटिविटी ऑफ द मीडियम निकालना है, राइट, और परमिटिविटी ऑफ द मीडियम आराम से निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर k इज इक्वल टू em / e नॉट, देयरफॉर em इज हाउ मच k इनटू एप्सिलॉन नॉट, k इज हाउ मच 5 इनटू एप्सिलॉन नॉट, का वैल्यू कितना होता है 8.85 इनटू 10 टू द पावर माइनस क्यूबर, इज इट क्लियर, देन हाउ मच ये कितना हो जाएगा 5 5 सर 25 मान हो गया, इतना आ जाएगा, इसका यूनिट क्या होगा
मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर तीन होता है, लेकिन ये उल्टा होगा क्योंकि ये पर में है तो पर वाला उल्टा हो जाएगा, जस्ट ये माइनस वन हो जाएगा, ये माइनस टू हो जाएगा और ये टू हो जाएगा, नीचे है ना, नीचे तो ऊपर चलेगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, कहाँ है दिस इज क्लियर, क्या हो जाएगा परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इज दिस, ओके, दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यहां पे क्या बोल रहा है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड सेपरेशन इज डी हैज एयर बिटवीन द प्लेट्स, क्या है कैपेसिटर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, सेपरेशन डी है और एयर जो है उस प्लेट के बीच में वो है, ठीक है, एयर है, एंड इंसुलेटिंग स्लैब ऑफ द सेम एरिया, एक इंसुलेटिंग स्लैब को उसी उतना ही एरिया का उसको थिकनेस किसका है डी बाई टू है, जस्ट लाइक दिस, ये डी बाई टू से उसको इंसर्ट कर दिया जाता है, ये दोनों प्लेट के बीच में है, सॉन इन द फिगर हैवी ए डायरेक्ट्री कांस्टेंट के इक्वल टू 4, के का वैल्यू कितना है 4, द रेशियो ऑफ न्यू कैपेसिटेंस टू ओरिजिनल कैपेसिटेंस विल बी वेरी इजी क्वेश्चंस, इससे इजी क्या हो सकता है, ये भी नीट मतलब क्विज का क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें क्या है कि एक डायरेक्ट्री को उसके अंदर डाल दिया गया, अब हम लोग जानते हैं कि डायरेक्ट्री के केस में जो हमारा कैपेसिटेंस आता है वो डायरेक्ट्री को लगभग कितना आता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय E minus T plus T by K. Yes or no? ये चीज होता है, ठीक है? तो find out करो हमको क्या निकालना है? The ratio of capacitance to its original capacitance. इसका original capacitance क्या है? C naught. इसका original capacitance मान लेते हैं C naught, ठीक है? और हमको यहाँ पे given क्या है? देखो plate के ऊपर cross section ले लिया, A दिया हुआ है, D दिया हुआ है separation, और इसके बीच में क्या है? Air. तो यानी कि वही चीज है. C naught, C naught का value कितना होता है? Option element A by B. Clear? लेकिन जो हमारे यहाँ पे जो थिकनेस है वो कितना है d by 2 है, तो हम इसका सीधे से निकाल लेते हैं, सीधे से इक्वल टू व्हाट एप्सिलॉन नॉट a by एकदम फार्मूला में पुट कर देंगे, बस कुछ नहीं करना, प्लस ये d by 2 हो के हो जाएगा ना, होगा ना, आपके का भी वैल्यू दिया हुआ है, a का वैल्यू कितना 4, उसको पुट कर देंगे, दिस इज जस्ट लाइक फार्मूला है ना, तो फिर क्या हो जाएगा सीधे से इक्वल टू हाउ मच एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाय d माइनस d by 2, एक से आधा हटाना मतलब आधा है ना, तो आपका कितना बच जाएगा यहाँ पे d by 2 plus d by 4 to the 8, और ये k का वैल्यू कितना है 4, 4 और 2 8, ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा सीधे से इक्वल टू हाउ मच एप्सिलॉन नॉट a by d by 2 plus d by 8, इसका एलसीएम लेने के लिए कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट a, और यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा a क्या जाएगा और ये 4 to the 8 यानी 14 plus d, और ये देखो ये 4 to the 8 यानी 14 plus d, और ये 8 ऊपर चल जाएगा, तो यहां पे फिर क्या आ जाएगा सीरीज, देयरफॉर सीरीज इज इक्वल टू हाउ मच, सीरीज इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a यानी यहां पे 8 ये ऊपर चल जाएगा डिवाइडेड बाय 5d, और ये 14 plus d इज 5d, इट्स मींस कितना हो जाएगा 8 by 5 और एप्सिलॉन a by d क्या हो जाएगा c नॉट, एप्सिलॉन a by d क्या है c नॉट, इक्वल टू क्या हो जाएगा c नॉट सॉरी c इक्वल टू 8 by 5 ऑफ c नॉट, यानी कि c रेस बाय c नॉट इज इक्वल टू हाउ मच 8 टू 5, आंसर जब तुमने दिया एक्स का रेशियो कितना हो जाएगा 8 टू, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्लियर और नॉट क्लियर, क्लियर,